नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो एसेंडेंट का अगस्त 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह आपके किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। केतु आपके दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके पांचवें स्थान पे बैठे हैं, शनि वक्री है आपके छठवें स्थान पे, गुरु राहु आपके आठवें स्थान पे बैठे हुए हैं, सूर्य आपके 11वें स्थान पे बैठे हुए हैं, शुक्र मंगल बुध आपके 12वें स्थान पे शुरुआती में बैठे हुए हैं। अब गोचर की अगर बात करें तो शुक्र का गोचर हो रहा है 7 अगस्त को, शुक्र वक्री हो रहे हैं, तो शुक्र 12वें भाव से आपके 11वें भाव में ये 7 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। यही सूर्य के गोचर की अगर हम बात करें तो सूर्य आपके बैठे हुए हैं आपके 11वें भाव में और 12वें भाव में वो 18 अगस्त को गोचर कर रहे थे। आपके समझने के लिए मैंने गोचर के लिए गोल मार्किंग कर दी है ताकि आपको समझने में आसानी पड़े। मंगल का गोचर हो रहा है 18 अगस्त को, तो मंगल आपके 12वें भाव से लग्न भाव में जा रहे हैं 18 अगस्त को। वही बुध 24 अगस्त को आपके 12वें भाव में ही वक्री हो रहे हैं। शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग किया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग किया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग किया है। शनि आपके 6वें भाव में बैठ करके उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है, देखिए 1 2 3 तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें घर में, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें घर में और 8 9 10 दसवीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव में। गुरु आपके 8वें भाव में विराजमान है और 8वें भाव से गुरु की दृष्टि में देखिए 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में और 8 9 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव में। मंगल आपके 12वें भाव में बैठ के चौथी दृष्टि डाल रहे हैं, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव में, 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव में। जब मंगल लग्न पे जब गोचर कर जाएंगे तो देखिए दृष्टि के लिए भी मैंने गोल मार्किंग कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी पड़े। तो देखिए एक एक घर बढ़ जाएगा, तो एक घर बढ़ जाएगा तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके 4थे भाव में, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव में और 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें भाव में। देखिए लग्न पर आपके मंगल गोचर करेंगे 18 अगस्त को, 18 अगस्त को जब ये मंगल जब आपके लग्न पे गोचर करेंगे तो आप अपने आप में बहुत ज्यादा ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे। मंगल जो है आपके 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड है जो आपके लग्न पे बैठे हुए हैं। यहां ऊपर में देखिए जो जो नंबर्स लिखे हुए ना 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ये सब चंद्रमा के गोचर हैं। 18 से 21 तारीख तक जब चंद्रमा आपके लग्न पे आएंगे तो आप थोड़े फ्लक्चुएटिंग रहेंगे उस समय। मंगल के इस गोचर के बाद आप अपने आप में थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। मंगल के इस गोचर के बाद आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए आप अपने आप में थोड़ा पराक्रमी भी रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड जो है आपके लग्न पे आ रहा है तो थोड़ा बहुत नेगेटिव विचार तो आप में आएगा। 2nd हाउस में आपके केतु विराजमान है और गुरु की 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में केतु आपके वाणी के विकारों से आपको पीड़ित कर सकता है, आंखों में भी आपके समस्या पैदा कर सकता है। आपको अभी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है कि आपको किसी पर निर्भर नहीं होना है। आप खर्चा भी थोड़ा संभाल कर करें क्योंकि केतु को 2nd हाउस में उतना अच्छा नहीं माना गया है। देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि क्योंकि पड़ रही है केतु पे तो केतु का फल जो होगा थोड़ा बहुत कम अशुभ आपको मिलेगा, क्योंकि अगर शुभ ग्रह अशुभ ग्रह पे अगर दृष्टि डालता है तो उसका अशुभत्व जो होता है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी ला देता है। ये 2nd हाउस जो है देखिए ये 7 नंबर लिखा है ना, ये शुक्र का घर है, शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं 6 अगस्त तक, तो लगभग 6 अगस्त तक आपका आपके परिवार पे खर्चा होगा। 3rd हाउस में आपके कोई ग्रह नहीं है, बट 3rd हाउस पे दृष्टि की बात करें तो मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है लगभग आपके 17 अगस्त तक, और यहाँ वक्री शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। और देखिए यहाँ पे जो 3rd हाउस का स्वामी है ना वो आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है।
17 अगस्त तक आपका आपके छोटे भाई बहन पे भी खर्च होगा। और अगर आपके छोटे भाई बहन विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये समय उनके लिए अच्छा रहने वाला है, उनका प्रयास सफल होगा, खासकर 17 अगस्त तक। फोर्थ हाउस में आपके कोई ग्रह नहीं है, बट फोर्थ हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है, देखिए यहाँ पे गुरु के दृष्टि ही गुरु के घर में पड़ रही है, और 18 अगस्त से मंगल की दृष्टि भी आपके फोर्थ हाउस में पड़ेगी, और आपके फोर्थ हाउस का स्वामी जो है वो एट्थ हाउस में विराजमान है। देखिए इस समय विशेष तौर पे आपको आपकी माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना है, और आपको वाहन संभाल कर चलाना है। चेस्ट से रिलेटेड समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती है। फिफ्थ हाउस में आपके चंद्रमा विराजमान है, हालांकि चंद्रमा 2 तारीख को 11:26 में आपके सिक्स्थ हाउस में चले जाएंगे। देखिए फिफ्थ हाउस जो है ये शनि का घर है, और शनि आपके फिफ्थ हाउस के स्वामी जो है आपके सिक्स्थ हाउस में विराजमान है। और फिफ्थ हाउस पे दृष्टि की अगर हम बात करें तो देखिए सूर्य की दृष्टि पड़ रही है 17 अगस्त तक, और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी 7 अगस्त से पड़ने लग जाएगी आपके फिफ्थ हाउस पे। यहां पर जातक को शत्रु और विकारों के कारण चिंता रहने वाला है, स्टूडेंट के लिए पढ़ाई में अड़चने भी आएगी। यहां पर आपके बच्चों से भी आपका नहीं बन पा रहा होगा, आपको अपने बच्चों को बहुत ही डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। 7 अगस्त के बाद जब शुक्र की पंचम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो आपके बच्चों का अपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। सिक्स हाउस में आपके वक्री शनि विराजमान है, और ये अपने राशि में ही बैठे हुए हैं, और अभी ये विपरीत राजयोग का भी इससे निर्माण हो रहा है। और देखिए शनि के साथ आपके मंगल की भी दृष्टि यहां पे है, शनि यहां पे सिक्स्थ हाउस में बैठ करके आपको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी दिलाएंगे, शत्रु और कंपटीशन का नाश भी करेंगे, और अगर आपके ऊपर कोई केस मुकदमा चल रहा है तो आपके पक्ष में निर्णय भी लाएंगे। सेवेंथ हाउस पे आपके कोई ग्रह नहीं है, बट सेवेंथ हाउस पे दृष्टि की बात करें तो देखिए मंगल की दृष्टि आपके पूरे महीना पड़ रही है, और जो सेवेंथ हाउस का स्वामी है वो आपके एट्थ हाउस में विराजमान है। देखिए अभी हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, गुरु का गोचर हुआ है 22 अप्रैल में, तो आप ये नोटिस किए होंगे 22 अप्रैल के बाद आपके स्पाउस के द्वारा आपको अचानक धन लाभ हुआ होगा, और ये आपको अचानक धन लाभ आगे भी होगा। कन्या लग्न वालों के लिए आपको आपकी स्पाउस का ध्यान एकदम विशेष तौर पर रखना है, उनकी तबीयत पे थोड़ा बहुत खराबी हो सकती है। एट्थ हाउस में आपके गुरु राहु विराजमान है, जिससे गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा है, और दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पे शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि भी 18 अगस्त से आपके एट्थ हाउस में मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है। एट्थ हाउस में आपके क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं तो आपको अचानक धन लाभ का योग तो बनाएंगे, आपका खर्च घर जमीन गाड़ी माता पर होगा। अभी अगर आप अभी फॉरेन जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। देखिए यहां पे जो लोग फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए 18 अगस्त से पहले अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो भी आपको वीजा के लिए आपको अगर फाइल सबमिट करना है, इमिग्रेशन में अगर आपको फाइल अपना सबमिट करना है तो 18 अगस्त के पहले कोशिश कीजिए फाइल सबमिट करने को। देखिए ये बात अलग है कि आपके मन में कोई ना कोई नेगेटिव विचार चल रहा होगा, आपके मन में नेगेटिव विचार अभी रहेगा। नाइन्थ हाउस में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, बट नाइन्थ हाउस के जो स्वामी है वो आपके 1 से 6 तारीख तक आपके 12वें भाव में है, जिससे आपका खर्च कुछ बड़ा रहेगा। यहां पे देखिए आपका धार्मिक कार्यों पे भी खर्चा होगा, विदेश यात्रा के काम में भी आपका अभी नसीब अच्छा साथ देगा। देखिए जब 9 से 11 तारीख तक चंद्रमा आपके नाइन्थ हाउस में विराजमान रहेंगे, यहां पर चंद्रमा अपने शत्रु के घर में विराजमान रहेंगे, फिर भी देखिए यहां पर 11th हाउस का स्वामी आपके नाइन्थ हाउस में आया है, तब आपके भाग्य से इनकम कराएंगे और आप धार्मिक कार्य भी करेंगे। देखिए यहां पे अगर आप धार्मिक संस्था चला रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। 10th हाउस में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, बट 10th हाउस के जो स्वामी है वो आपके 12th हाउस में विराजमान है पूरे महीना, और 24 अगस्त के बाद तो यहां पर ही आपके 12th हाउस में वक्री भी हो जाएंगे। देखिए यहां पर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको काम लेने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। देखिए बुध जब यहां पे 25 जुलाई को जब आपके 12th हाउस में जब गोचर किए हैं, उसके बाद से आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि अगर आपको कुछ काम किसी से लेना पड़ रहा होगा तो आपको
कुछ ना कुछ इसमें खर्चा आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो आपका 10th हाउस का स्वामी है वो बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो काम लेने के लिए 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्च का, और ये 10th हाउस होता है, तो 10th हाउस हो जाता है आपका काम का, तो काम के लिए खर्चा, तो आपको काम के लिए आपका अभी फिलहाल खर्च होगा। जिस समय आप काम अपना एक्सपेक्ट कर रहे होगा उस एक्सपेक्टेड टाइम पे आपका काम भी नहीं हो पा रहा होगा। यहाँ पे जो लोग फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फॉरेन से रिलेटेड कोई भी अगर काम जिसमें फॉरेन का बहुत ज्यादा ही इन्वायरमेंट है, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है, और जो लोग विदेश जाकर के अभी काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। अब 11th हाउस अगर हम लोग देखें तो 11th हाउस पे देखिए आपके सूर्य विराजमान है, हालांकि सूर्य देखिए आधे महीने तक ही विराजमान है, आपके 18 अगस्त को सूर्य आपके 12वें घर में चल जाएंगे, और यहाँ पे शुक्र जो है शुक्र आपके वक्री होकर के 7 अगस्त को आपके आ जा रहे हैं। देखिए जो लोग यहाँ पे अभी बिजनेस कर रहे हैं वो ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि उनका लगभग 17 जुलाई के बाद से इनकम के लिए खर्चा हो रहा होगा, मतलब कहीं बिजनेस में अगर पैसा गरा टक जा रहा है तो कुछ ना कुछ दे दुआ करके भी काम निकालने में पड़ रहा होगा। भी इस समय आपका दोस्तों पर भी पैसा खर्चा हो रहा होगा, और जहां पैसा लगाएंगे वहां से पैसा निश्चित रूप से आपको मिलेगा। देखिए जो लोग यहाँ पे फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय फिर से वापस मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा लाभदायी रहने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 12th हाउस का जो स्वामी है वो आपके 11th हाउस में आधे महीना है, आपको ये लगभग 17 अगस्त तक आपके लिए ये समय जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाभदायी रहने वाला है। 12th हाउस में आपके सूर्य 18 अगस्त को गोचर करेंगे, सूर्य यहाँ अपनी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ सूर्य और बुध की युति होगी जिससे कि बुध आदित्य योग का निर्माण भी होगा। देखिए 18 अगस्त से आपको गवर्नमेंट के लोगों से संभल कर रहना है, कोई ना कोई सरकारी फाइन आपको भरना पड़ सकता है। और देखिए यहाँ पे जो लग्नेश है आपके 12th हाउस में है, तो यहाँ पे आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, आपका जो खर्चा होगा वो आप अपने ऊपर करेंगे। देखिए 12वां भाव जो होता है ये होता है फॉरेन का, खर्च का, हॉस्पिटल का, तो यहाँ पे देखिए आप हो सकता है कि आप फॉरेन जाए, कुछ बीमारी के कारण हो सकता है आपका हॉस्पिटल पे भी आपका अभी खर्च होए। आइए हम लोग जान लेते हैं गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में। गुड डेट्स में अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं किसी कंपनी के साथ तो आप कर सकते हैं, कोई शुभ कार्य करना चाह रहे हैं तो आप इस समय कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं आप इस समय करेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा। इस डेट्स को कहीं नोट करके रख लीजिए, 1 से 4 तारीख, 9 से 16 तारीख और 23 से 25 तारीख। और बैड डेट्स में आपको ध्यान देना है कि आप उस दिन कोई नया काम शुरू नहीं करें, कोई कंपनी के साथ अगर आपका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होने वाला है तो इस डेट को अवॉइड करें, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं अवॉइड करें, कोई नया कुछ भी नया कार्य अगर आप करने का सोच रहे हैं तो इस डेट को अवॉइड करें, वो है 3 और 4 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, 30 और 31 तारीख। देखिए उपाय में आपको सूर्य भगवान को इस पूरे महीना जल देना है, और जल चढ़ाते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें, इससे आपको अवश्य अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।